कई वर्षों से नाले के दूषित पानी से बेहाल रहे चामुंडा सर्किल के आसपास के इलाकों को अब इस समस्या से जल्द निजात मिल जाएगी। इसको लेकर 4-5 दिन पहले यहां नाला निर्माण कार्य शुरू हो गया था। आगामी 8-10 दिनों में नाला निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। इसके बाद नाले के पानी की निकासी लेवल को हिसाब से होगी, जिससे नाला ओवरफ्लो होने की समस्या से निजात मिल जाएगी। स्थानीय बाशिंदों ने नाला निर्माण को लेकर DCN लाइव द्वारा किए गए प्रयासों की तारीफ की। शहर के चामुंडा सर्किल पर आने वाले दिनों में जल जमाव से राहत मिलेगी। जल निकासी के लिए नाले का निर्माण का कार्य अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। नाला निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद चामुंडा सर्किल पर सालों पुरानी जल जमाव की समस्या का पूरी तरह से समाधान हो जाएगा। इससे दुकानदारों सहित आम राहगीरों को काफी सहूलियत मिलेगी। फिलहाल चामुंडा सर्किल पर जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं है। पूर्व में बनी नाला नक्शर ओवरफ्लो रहता है, जिससे यहां पर हर समय दूषित पानी भरा रहता है। इससे आवागमन में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बारिश के मौसम में तो हालत इतने बेकाबू हो जाते हैं कि नाले का पानी आसपास की कॉलोनियों में भर जाता है। सालों से इस समस्या को लेकर स्थायी समाधान की मांग उठ रही थी, लेकिन इस समस्या को नगर परिषद सर से नकार रही थी। बीते दिनों DCN लाइव द्वारा इस समस्या को लेकर सिलसिलेवार खबरें प्रकाशित करने पर जिम्मेदारों ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए नाले का निर्माण कार्य शुरू करवाया। अब इस नाले का निर्माण कार्य बहुत जल्द पूरा हो जाएगा, जिसके बाद चामुंडा चौराहे की बड़ी समस्या हल हो जाएगी। नाले की 5 साल से बहुत गंभीर समस्या थी। पानी पूरे कॉलोनी में जाता था, यहाँ नमकने 4-4 फुट 2-2 3-3 फुट तक हमेशा पानी भरा रहता था। अब यहाँ से ना सीधा नाला भर रहा है। पहले नाला गलत दिशा में बना हुआ था, इसलिए नाला ओवरफ्लो होता था। अब नमकन सही दिशा में पानी की ढलान में सिंधी रोड की तरफ बन रहा है, इससे नमकन 100% समाधान हो जाएगा और 15-20 दिन में नाला बनकर तैयार हो जाएगा। मीडिया लोग का, आप लोगों का भी बहुत सहयोग रहा, हमेशा के लिए इस नाले की समस्या के बारे में बताते रहे, इसलिए ये नाला बनना शुरू हो गया है। पहले पुल की समस्या थी, बरसाती पानी भी नहीं जाता था, उसके लिए ये पुल बन गया है। बरसाती पानी की भी निकासी हो गई और ये नाला इस साइड में बनने से इस गंदे पानी की भी समस्या हल हो जाएगी। शहर के चामुंडा सर्किल पर बीते कई सालों से जल जमाव की समस्या आम जन के लिए सरदर्द बनी हुई थी। चामुंडा सर्किल शहर का सबसे व्यस्तम मार्गों में से एक है। ऐसे में इस मार्ग पर आए दिन जल भराव होने के कारण आम जन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। नाला निर्माण होने के बाद शहरवासियों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है।